अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना, नाश्ता हमारा गरम गरम रेडी है, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, और साथ में है अंडा और पराठा। और रात में कस्टर्ड बनाया था तो बच्चों ने नहीं खाया था, वो भी मैंने रख दिया है। बच्चे जो दिल चाहे खाएंगे, और हमारी मज़ेदार सी गरम गरम चाय भी रेडी है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इस वजह से जो है ना अंदर ही बैठ के हम नाश्ता कर रहे हैं, और बच्चे रेडी हो चुके हैं। और अब बच्चे यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, और साथ साथ मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। और सुबह के टाइम है तो मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, वरना मैं चाय इतनी ज़्यादा नहीं पीती। और बस टाइम जो है ना काफ़ी हो चुका है, सुबह का टाइम है, तो बच्चे को स्कूल भी जाना है, रक्षे वाला भी आ गया है बाहर, वो भी इंतज़ार कर रहा है, तो बस अभी जल्दी जल्दी से नाश्ता करेंगे। बेटी मेरी अब तक तैयार नहीं हुई, और आज मुझे ना मशीन भी लगानी है, कपड़े भी मैंने धो के रखे हैं, और यहाँ पर ये दोनों रेडी हैं। ये नील जो है वो अपने नाखून काट रहा है, जब इन्हें स्कूल जाना आता है ना, इनको सब चीज़ें तभी याद आती हैं। तो जी बस यहाँ पर जो है ना मैंने मशीन लगाई थी, सारे कपड़े वगैरह धोए, और माशाल्लाह कपड़े भी बहुत काफ़ी हो गए थे, तो वो कपड़े धोते धोते बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम भी हो गया, थक भी गई हूँ, और अभी फर्श वगैरह जो है ना बाहर का धोना बाकी है। तो आज मैं बना रही हूँ सब्जी, और आज बना रही हूँ मटर का पुलाव, और ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे मटर, माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्रेश मटर है, और साथ में जो है ना खीरा है, मूली है, और गाजर है, और लीमू, देखे कितने अच्छे और ताज़े। और ये जो है ना अब मैं इसका जो साफ़ कर रही हूँ, छील रही हूँ, अब मैं इसका बनाऊँगी पुलाव। और मटर और आलू का पुलाव जो है ना बड़े ही मज़े का लगता है। पर आ गया था पेटिस वाला, मेरी बेटी को पेटिस चाहिए थे, तो मैं बाहर की तरफ खड़ी हूँ दरवाजे पर, अब वो पेटिस जो है ना बाहर आदमी जो दे रहा है, तो मैं इनसे लूँगी अभी, और फिर हम खाएंगे साथ साथ पेटिस भी, और जो है ना हम करेंगे सब्जी भी साफ। तो यहाँ पर मेरे ना पेटिस आ गए थे, मैंने ले लिया था उन्हें, और अब यहाँ पर जो है ना हम बैठ कर सब्जी भी साफ करेंगे और पेटिस भी खाएंगे। पर जो है ना मैंने तकरीबन से आलू और जो टमाटर है, आलू और मटर जो है वो मैंने साफ कर दिए, छील लिए, प्याज भी छील लिए, और कुछ आलू देखें सारे ख़राब निकले। 2 किलो आलू मंगाए थे, जिसमें से मेरे ख्याल से 3-4 ही दाने जो है ना सही निकले, बाकी सारे खराब है। ये बकरियों को दे देंगे बाहर, बकरियां खा लेगी। और यहाँ पर जो है ना हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे अपना खाना। तो यहाँ पर मेरी प्याज हो रही है ब्राउन, और इसे मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँगी, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना मटर और आलू ऐड करेंगे। सर्दियाँ हैं तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, और आज ये मैंने कपड़े भी धोए थे तो बहुत जल्दी जो है ना टाइम गुजर गया, ऊपर से थकन भी इतनी ज़्यादा हो गई है। और कपड़े ही मैं जो है ना हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही लगाती हूँ तकरीबन, फिर भी जो है ना कपड़े जो है ना छाऊँ, जिस तरह की धूप नहीं है ज़्यादा तो इतनी जल्दी सूखते भी नहीं, इस वजह से मैं हफ्ते में 2 बार जो है ना लगा लेती हूँ, ताकि कपड़े थोड़े और जल्दी सूख भी जाए। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखें टमाटर, मटर और आलू को जो है ना मैंने यहाँ पर धो लिया था, वॉश किया, इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास टमाटर है, और यहाँ पर हमारा जो है ना मसाला है, जहाँ ऐड करेंगे, तो ये हमारा मसाला है, हम इसके इसमें रख देते हैं। और यहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्चें भी हैं साथ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मटर और आलू ऐड कर दिए थे, वो हमारे गल चुके हैं, टमाटर डाला था, जो मसाला डलता है वो सब डाल दिया था मैंने इसके अंदर। और यहाँ पर हमारे ये चावल हैं, चावल को अब मैं भिगो कर इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि हमारा आलू जो है ना वो गल चुका है, और हम बना रहे हैं जल्दी जल्दी कुक वाला खाना, तो इसलिए जो है ना बस जल्दी से हम तैयार करेंगे, क्योंकि बच्चों का टाइम हो गया, बच्चे अभी आने वाले हैं स्कूल से, और हमारा खाना रेडी होगा तो हम इसे दे सकेंगे बच्चों को। इसको है ना धोकर इसके अंदर ऐड कर दिए चावल मैंने इसके अंदर, इसका अंदर थोड़ा पानी है, अब ये सूखेगा, और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें 3 अदद, और साथ में इसके हरा धनिया भी ऐड कर देंगे हम।
क्योंकि हरा धनिया से भी जो है ना बहुत अच्छे से खुशबू आती है। अब इसे हम ना हिला मिला कर और इसके वो ढक्कन लगा कर रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, और खुश्क होने के बाद हम इसे दम दे देंगे। जो है ना हमारा पानी खुश्क हो गया तकरीबन, और चावल का अब हम दे देंगे दम, और क्या मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस अब खाना स्टार्ट करने को दिल चाह रहा है, लेकिन इसे दम पर रखेंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे, और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी और खाना खा के कितने मज़े के चावल लग रहे हैं। तो जब तक जो है ना मेरे चावल दम पे आ रहे हैं, तो साथ में हम इसका भी जो है ना साफ़ करके उसे भी कटिंग कर लेते हैं, सलाद बना लेते हैं। जितनी देर में हमारे चावल दम पे आ जाएंगे उतनी देर में हमारा सलाद भी तैयार हो जाएगा। तो जी मेरा मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो चुका है, देखें कितना खुले खुले चावल बने, और साथ में मटर के साथ आलू पुलाव बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसे हम प्लेटों में निकालेंगे।